स्टॉक यूआई वर्सेस कस्टम यूआई, अगर मेरी नज़र में एक नॉर्मल इंसान की साइड से बोलूँ तो स्टॉक यूआई और कस्टम यूआई की कभी भी एक क्लियर कंपैरिजन नहीं बनता। इसका रीज़न क्या है आप वीडियो देखो, आप खुद ही जान जाओगे। ऑल्सो मैं इस वीडियो पर इन सारे पॉइंट के ऊपर बात करूँगा ताकि आप खुद डिसीजन ले पाओ कि स्टॉक यूआई बेस्ट है या फिर कस्टम यूआई बेस्ट। और लास्ट में ये भी बताऊंगा कि कंपनी क्यों स्टॉक यूआई को छोड़ के कस्टम यूआई पे शिफ्ट नहीं होता। और जो लोग नहीं जानते स्टॉक रूम और कस्टम रूम होता क्या है, उन लोगों के लिए बोलता हूँ। स्टॉक रूम होता है कंपनी की तरफ से एक ओरिजिनल रूम, जैसा कि अगर आप एक रेडमी और शाओमी और पोको का डिवाइस यूज करते हैं तो आपके मोबाइल में यहाँ पे MIUI का रोम देखने मिल जाएगा। उसी जगह पर अगर एक सैमसंग का यूजर है तो आपके मोबाइल में पे OneUI का रोम देखने मिल जाएगा। अगर आप एक रियलमी का यूजर है तो आपके मोबाइल में मिल जाएगा। ऑल्दो मेरे कहने का मतलब ये है कि कंपनी खुद से डिफॉल्ट में जो रोम देता है उसे बोलते हैं हम लोग स्टॉक रोम, और कस्टम रोम होता है। और जैसे कि नाम से पता चलता है कि ये कस्टमाइज बेस्ड रोम है, इसीलिए इसका नाम आता है कस्टम रोम। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को नंबर वन पॉइंट से। तो सबसे पहले आता है स्टॉक रोम और कस्टम रोम। स्टॉक रूम होता है कंपनी की तरफ से एक डिफॉल्ट ओरिजिनल रूम, उसी जगह पर कस्टम रूम होता है यहाँ पे एक डुप्लीकेट कस्टमाइज बेस्ड रूम। इसको हम लोग थर्ड पार्टी रूम भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें कोई फर्क नहीं है। नंबर टू पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे आती है वारंटी। और स्टॉक रूम और कस्टम रूम में सीन ऐसा है कि स्टॉक रूम में हम लोग को यहाँ पे वारंटी और सिग्नेचर देखने को मिलता है, बट उसी जगह पर कस्टम रूम में हम लोग को ना तो कोई वारंटी देखने मिलता है, ना तो कोई यहाँ पे सिक्योरिटी देखने मिलता है, ना तो कोई यहाँ पे प्रॉमिस ही देखने मिलता है, कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। बट स्टॉक रूम में हम लोग को यहाँ पे वारंटी देखने मिलता है जो कि हम लोग एक बेटर फायदा देता है। नंबर थर्ड पॉइंट पे आती है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में सीन ऐसा है कि स्टॉक रूम में हम लोगों को पे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी देखने को मिलता है, बट उसी जगह पर कस्टम रूम में किसी भी तरह के किसी भी साइड से हम लोग को प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी देखने को नहीं मिलता है। कोई कोई थर्ड पार्टी रोम बोलता है कि हम लोग इसमें प्राइवेसी देते हैं, बट हम किस पे ट्रस्ट करें? ट्रस्ट करने के लिए कोई प्रूफ ही तो नहीं है हमारे सामने। नंबर फोर पॉइंट पे आती है इनबिल्ट एप्स। स्टॉक रूम में सीन ऐसा है कि किसी भी इनबिल्ट एप्स को हम लोग यहाँ पे ना तो डिलीट कर सकते हैं, ना तो स्टोरेज को फुल क्लियर कर सकते हैं, बट उसी जगह पर कस्टम रूम में फायदा ये होता है कि किसी भी इनबिल्ट एप्स को हम लोग अनइंस्टॉल कर सकते हैं, इंस्टॉल भी कर सकते हैं और स्टोरेज को हम फुल क्लियर कर भी सकते हैं। तो वही बात हुआ ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा ही ना। नंबर फाइव पॉइंट पे आती है अपडेट। अपडेट के मामले में स्टॉक रूम में हम लोग को चाहे सिक्योरिटी अपडेट हो, चाहे एंड्रॉयड वर्जन का अपडेट हो, हम लोग को यहाँ पे अपडेट देखने को मिलता है, बट उसी जगह पर कस्टम रूम में किसी भी तरह का की सिक्योरिटी, किसी भी तरह का की एंड्रॉयड वर्जन का अपडेट देखने को नहीं मिलता है। बेनिफिट ये हो जाता है कि स्टॉक रूम में हम लोग को अपडेट तो देखने मिलता है, बट कस्टम रूम में किसी किसी डेवलपर बोलते हैं हम लोग अपडेट देते हैं, बट मेरी मानो तो अपडेट देखने को नहीं ही मिलता है, क्योंकि मैंने यूज़ किया है तो मुझे अच्छी तरीके से पता है कि अपडेट देखने को नहीं मिलता है। कभी कभी देखने को मिल जाता है, बट मतलब 100 में से 0.5% आप बोल सकते हो यहाँ पे अपडेट की मांग। सो अब बात करते हैं हमारे लिए कौन सा रूम बेस्ट है, चाहे स्टॉक रूम हो चाहे कस्टम रूम हो। मेरी मानो तो मैं स्टॉक रूम को ही यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। इसका रीज़न है कि स्टॉक रूम में हम लोग को यहाँ पे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी थोड़ा बहुत तो देखने को मिल जाता है, बट ये बात भी सच है कि प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी मामले में iOS टॉप क्लास का है, बट एंड्रॉयड भी थोड़ा बहुत तो सिक्योरिटी देखने को मिलता है, बट कस्टम रूम में किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी ना देखने को मिलने की वजह से मैं यहाँ पे स्टॉक रूम को सिलेक्ट करता हूँ। बट हाँ, ये बात सच है कि स्टॉक रूम में कुछ कुछ ऐसे फीचर है जो कि यूज़र के लिए थोड़ा बहुत तो डिसअपॉइंट होता ही है, बट कस्टम रूम में वो बेनिफिट हो जाता है कि फ़ायदा देखने को मिल जाता है। तो मेरी मानो तो एक नॉर्मल इंसान के लिए स्टॉक रूम में बेस्ट है। अगर जन सो तो आपके लिए तो भाई अलग ही लेवल है। सो अभी फाइनल डिसीजन पे आते हैं कि ब्रांड क्यों स्टॉक रूम को छोड़ के कस्टम रूम को यूज़ नहीं करता। यूज़ नहीं करता है और करता भी है, इसका एक ना डायरेक्टली हम लोग ब्रांड को नहीं बोल सकते कि आप इसको नहीं यूज़ करते हो, आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसका एक रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ क्या रीज़न है। गूगल हर साल अपना एक लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन को रिलीज़ करते हैं, और सिर्फ गूगल पिक्सल डिवाइस को छोड़ के अदर ब्रांड क्या करता है, उसी एंड्रॉयड लेटेस्ट वर्जन को उठाएगा। उठाने के बाद अपने तरफ से उसको चेंजेस करेगा, अपने तरफ से उसको लोगो और एनिमेशन सेट करेगा, उसके बाद अपने तरफ से उसको आइकन पैक देगा अपने एप्लीकेशन की। तो कह सकते हो कि उस ब्रांड के लिए वो एक तो ऑफिशियल रोम हो जाता है, बट अदर ब्रांड के लिए वो एक कस्टमाइज बेस्ड एक कस्टम रोम है। सभी लोग यूज़ करते हैं, बट सभी लोग एंड्रॉयड लेटेस्ट वर्जन को उठाने के बाद अपने तरफ से उसको चेंजेस करके उसको यूज़ करते हैं, ताकि हर एक ब्रांड का एक अलग UI हो और मार्केट में अलग अलग वैरायटी का UI हो, ताकि व्यूअर के सामने ऑप्शन रहे। सो इसी वजह से हम लोग डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि आप यूज़ करते हो, आप नहीं यूज़ कर सकते हो। सो आई होप आपको ने क्लियर डिसीजन मिल गया कि स्टॉक रूम बेस्ट है या फिर कस्टम रूम बेस्ट है। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि डिस्प्ले नीड्स है तो फिर डिस्प्ले ब्राइटनेस क्या होता है, तो आप लेफ्ट साइड की वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि 4G प्लस और LTE प्लस में क्या फ़र्क है और क्या होता है, तो आप राइट साइड की वीडियो को देख सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।